दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। क्लियर हुआ कि अभी ये जो कुछ सेंचुरीज से ऐसा हो रहा है कि चारों हर तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफ की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. क्लियर हुआ कि जो हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज मीन्स जैसे मेडिसिन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था या मेडिसिन की व्यवस्था इम्प्रूव हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिविंग का कंडीशन अच्छा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन का ग्रोथ काफ़ी हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया, क्लियर हुआ, एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ जैसे कि स्टम को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हुआ तो लोग अगर बीमार भी पड़ते थे तो उनकी मौत नहीं हुई। ठीक है ना, उनको मेडिसिन के थ्रू ठीक कर लिया गया, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, पॉपुलेशन ही तो बढ़ा। फिर इस तरीके से जैसे लोगों को जो रहने का तरीका है वो इम्प्रूव हुआ, जिसकी वजह से लोग हाइजीन पे ज़्यादा मेंटेन करने लग गए, उसकी वजह से लोग बीमारी कम पड़े, तो बीमार कम पड़े तो फिर मौत कम हुआ। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया पहले की तुलना में, यानी पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे जो कारण है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। क्लियर हुआ, यानी हेल्थ के कारण, जैसे कि हेल्थ यानी कहने का मतलब कोई बीमार पड़े और उसको आप ठीक कर लो, ठीक है, तो उसकी फिर तो मौत होगी नहीं, तो क्या होगा, वो फिर बंदा अर्थ पे रहेगा, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का हिस्सा बनेगा। क्लियर हुआ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900। क्लियर हुआ, तो ये 2 बिलियन था जब ये 1900 में 2 बिलियन था, और यही पहुंच गया आपका 6 बिलियन 2000 तक। क्लियर हुआ, ठीक है, तो इतना तगड़ा देखिए आप पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया पॉपुलेशन इन 100 साल के अंदर। सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, और सेम यही चीज़ इंडिया में भी देखा गया। आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। क्लियर हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था, 350 मिलियन, और उसके बाद रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000, और ये 2000 पहुँचते पहुँचते ये लगभग 1 मिलियन के आसपास पहुँच गया। क्लियर हुआ कि कहाँ मिलियन में था और कहाँ बिलियन, यानी बिलियन बड़ा होता है मिलियन से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बिलियन इज इक्वल टू 2000 मिलियन दे रखा है, तो यहाँ से आप कन्वर्जन कर सकते हैं मिलियन और बिलियन में। आगे देखते हैं, और दैट मींस एवरी 6th पर्सन इज इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर एक रेशियो निकाले, तो अगर 6 बंदे ले लें हम पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से एक बंदा हम मान सकते हैं कि क्या है, वो इंडियन है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, और इसके पीछे और एक क्या कारण है कि जो डेथ का रेट है वो कम हुआ। क्लियर हुआ, डेथ रेट मतलब कि लोग का जो मौत है वो काफ़ी कम हो गया। जैसे पहले क्या होता था, जो मैटरनल मॉर्टलिटी रेट यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे जो मदर की मौत हो जाती थी उसमें भी काफ़ी कमी आया, और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट और जो मतलब बच्चे हैं जन्म के टाइम पे पहले काफ़ी उनका भी मौत हो जाता था, उनका भी जो रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, यानी हर साल बहुत सारे मदर की भी मौत हो जाती है, बहुत सारे बच्चों के भी, तो इन चीज़ को हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू रोक दिया गया काफ़ी हद तक। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारा पॉपुलेशन ही बढ़ा, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी की मतलब किसी को मार के तो हम पॉपुलेशन कम नहीं कर सकते, समझ में आई बात, तो कहीं इसको आप नेगेटिव वे में मत देखने लगिए। तो किसी को हम मार के पॉपुलेशन नहीं कम कर सकते, हमें करना है तो कोई जो नया जनरेशन आ रहा है उसको हम रोक के कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करें कोई जिंदा है तो उसको मार दो ठीक है पॉपुलेशन कम हो, ऐसा नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इन लोग को बचाया तो जिसकी वजह से ठीक है पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन जो ये रेट है जो मतलब काफ़ी कई लोग के तो 5 5 बच्चे 6 6 बच्चे हो जाते हैं फिर किसी, तो इस तरीके से काफ़ी काफ़ी, तो इन चीज़ को हमें रोकना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इनको फिर से मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, ये अच्छी बात है मेडिकल फैसिलिटीज़ की कि कई सारे माएँ और कई सारे बच्चे पहले के मुकाबले अब बच जा रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन किस वजह से बढ़ा है, एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल एज मतलब जितने ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फेज में अगर पहुँचेंगे तो उतने ज़्यादा लोगों की शादी होगी, उतने ज़्यादा फिर बच्चे बढ़ेंगे। दो और RCH प्रोग्राम, और RCH प्रोग्राम क्या है, जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था वो प्रोग्राम। ठीक है, कि मतलब रिप्रोडक्शन भी हेल्दी हो और जो बच्चे का जन्म है वो भी हेल्दी हो, तो ये उस प्रोग्राम का नाम था। दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज स्टिल अराउंड 1.7%, और इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इतना है पर ईयर। क्लियर हुआ? रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स। तो ये जो रेट निकाला गया, अगर इस रेट से बढ़ता रहा तो लगभग हर 33 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मानिए कि आज अगर 100 है तो जो आपका 33 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद 33 के बाद कितना हो जाएगा, 200 to 400 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका रेट, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्केसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अगर इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये कई सारे खतरे की घंटी है। ठीक है, वो खतरे की घंटी क्या है, देखिए कि हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उस चीज़ में भी कटौती करनी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ओवर हो जाएगा तो खाना आप उतना धरती पे उगा नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, कई लोग भूखे मरने लगेंगे, तो कई लोग को रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो कई लोग को कपड़े भी नहीं मिलेंगे। तो वही कह रहा, जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि है रोटी कपड़ा मकान, यानी फूड शेल्टर और क्लॉथिंग, शेल्टर मतलब वही घर मान सकते हैं आप रहने के लिए जगह, उसमें भी कमी होने लगेगी। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, देयरफॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी सीरियस है कि किस तरीके से इस पॉपुलेशन को रोका जाए। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि अपने लोगों को मारना शुरू कर दें। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाई यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। तो कह रहा है इस चीज़ के लिए एक बहुत जो अच्छा स्टेप है या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को जगाया जाए, लोगों को किस लिए, ताकि वो एक छोटी फैमिली बनाए। ठीक है ना, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें जिसकी वजह से कि वुमेन प्रेग्नेंट कम हो या ना हो पाए। क्लियर हुआ? इसके लिए लोगों को अवेयर कराया जाए, मोटिवेट किया जाए। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स बिल्स एट्सेट्रा शोइंग अ हैप्पी कपल विद टू चिल्ड्रेन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो। तो कह रहे हैं कई बार आप इन चीज़ों को मीडिया में, पोस्टर में या बिल वगैरह में देखे होंगे कि लोगों को जगाने के लिए एक स्लोगन लिख के आता है जिसमें कि एक कपल होता है और उनके साथ दो बच्चे होते हैं, और उसमें लिख के आता है हम दो हमारे दो, मतलब कि बस सिर्फ दो बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, सबकी फैमिली छोटी होगी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पॉपुलेशन भी कम होगी। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नोम। तो कई सारे कपल में ऐसे भी देखा गया कि वो लोग एक चाइल्ड मतलब एक ही बच्चे में खुश है, लेकिन कई लोग तो ऐसा है जिनको
पाँच पाँच छः छः सात सात भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस तो इससे क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। सपोज़ करिए एक बंदा अगर 100 रुपये कमा रहा है, अब उसको अगर पांच बच्चे में बांटना है, ठीक है, अब वही अगर उसके दो बच्चे हैं तो देखिए दो बच्चों को कितना आसानी से वो मेंटेन कर सकता है, लेकिन पांच पांच बच्चों को 100 रुपये में मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। स्टेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स। और इसके लिए क्या, फीमेल का एज 18 और मेल का 21 रखा गया, मैरिज के लिए एज फिक्स किया गया, ठीक है। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम अदर कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो कह रहा है कि कुछ हमारे पास और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, क्लियर हुआ। तो ये हम दो हमारे दो, ये कब पॉसिबल होगा कि जब मान उसके जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करा जाए, अब उसके लिए क्या होगा, कुछ हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी जानना ज़रूरी है, तभी तो कोई अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोक सकता है। अनवांटेड मतलब अनचाहे, कि मतलब हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए भी कई सारे मेथड्स हैं, तो आइए देखते हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लेस्ट साइड इफेक्ट। तो कह रहे हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वही है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि जो भी यूज़ करे उसके लिए आसानी हो या अच्छा हो, और वो ईज़िली आसानी से मिल जाए, फिर वो इफ़ेक्टिव हो मतलब वो अच्छी तरीके से काम करे, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही एकदम हो ही ना, या फिर हो भी तो बहुत कम हो। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर्स और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। फिर क्या कह रहा है, ये जो डिवाइस हो ये किसी भी तरीके से कि जो सेक्सुअल की जो डिज़ायर है, ठीक है ना, सेक्स की जो डिज़ायर है उसको भी ना कम करता हो या उस पर भी कोई अफेक्ट ना करे, क्लियर हुआ। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो भी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको इस तरीके से देखिए क्लासीफाई या कैटेगराइज किया गया है, वो है नेचुरल और ट्रेडिशनल, फिर दूसरा है बैरियर, फिर है आईयूडीज, फिर उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और उसके बाद इंजेक्टेबल्स, फिर इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, ठीक है। ये सारे क्या कैटेगरी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। तो सबसे पहला कौन है, नेचुरल या ट्रेडिशनल, तो आइए देखते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल में क्या है। तो नेचुरल मेथड में देखिए, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड में क्या, जो मेन इसका प्रिंसिपल क्या है कि स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है उसको रोका जाए, ठीक है। यानी स्पर्म और ओवम जब मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, अब होगा ही नहीं तो फिर आगे का प्रोसीजर होगा नहीं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्लियर हुआ। तो देखिए ये पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है कि जो आपने देखा था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन यानी जब ओवम बनता है वो कौन सा डे होता है, 14 डे, ठीक है। तो 14 में कई बार आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए हमने डे कितना मान रखा है, 10 to 17, अगर आगे पीछे होगा तो इसी के अंदर ही होगा, ठीक है। यानी 14 से कुछ दिन पहले और 14 से कुछ दिन बाद, क्लियर हुआ। तो पहले हो गया 10 और बाद में हो गया 70s। तो कह रहा है ये जो 10 से लेके 70s यानी जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है
वो डे कहलाता है फर्स्ट। उसके बाद जो टेंथ डे आएगा उसके बाद उस टेंथ से कंटिन्यू करेंगे सेवनटीन्थ। तो टेंथ से लेके सेवनटीन के बीच में कोइटस नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो फीमेल और मेल का जो मेटिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, ये नेचुरल मेथड है और इसका नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जो टेंथ और सेवनटीन इनके बीच का, यानी कि ये जो 10 दिन मतलब 7 दिन है, 7 से 8 दिन, इस बीच में मेल और फीमेल की मेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन होने के बाद वो ओवम डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मेटिंग कर रहा है या उससे पहले, यानी ओवम पहले बना ही नहीं है और बनने से पहले ही अगर कोई मेटिंग करे तो उससे प्रेग्नेंट नहीं होगा, या फिर ओवम बन के ख़राब हो जाए, डिजेनरेट हो जाए, उसके बाद अगर कोई मेटिंग करे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही है आपका 10 से 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 10 से 17 के बीच में ओवुलेशन होगा। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर, और इसी टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन के चांस क्या होता है, वेरी हाई, ठीक है, इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। और जो 10 से लेके 17 डेज का जो टाइम है इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। ये क्या था, एक आपका नेचुरल मेथड था, ठीक है। और दूसरा नेचुरल मेथड देखिए क्या है, वो है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होता देखिए, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजोकुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेता है जस्ट बिफोर इजोकुलेशन, यानी जैसे सीमेन का रिलीज़ होने वाला होता है, उससे पहले पेनिस को वजाइना में से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इंसेमिनेशन बाहर हो जाता है, ठीक है, टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो जिससे क्या होगा, इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाएगा, यानी इंसेमिनेशन वजाइना के अंदर ना होके बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर इंसेमिनेशन नहीं हुआ इसका मतलब स्पर्म जाएगा नहीं, मेल फीमेल गैमेट मिलेगा नहीं, क्लियर हुआ। तो ये दो मेथड हो गए नेचुरल। और एक नेचुरल मेथड देखिए क्या है, लैक्टेशनल। तो नेक्स्ट मेथड देखिए क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। और इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इस टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो एब्सेंस होता है, मेंस्ट्रुएशन यानी वो जो साइकिल है ओवम का बनना, फिर डिजेनरेट होना, फिर बनना, फिर डिजेनरेट होना, ये चीज़ें नहीं होता। इसमें देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है, कि जब कोई भी मतलब फीमेल वो लैक्टेशन कराती, लैक्टेशन मतलब जो बेबी को मिल्क पिलाती है, ठीक है ना, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पिलाती है मिल्क, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवम बनेगा ही नहीं। तो कोई भी अगर पार्टनर, ठीक है, अगर उसका अगर होता है कोइटस तो फिर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ, क्योंकि ओवम ही नहीं है, तो कितना भी स्पर्म चला जाए कुछ नहीं होगा। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन एंड ऑलमोस्ट नील। तो वही कह रहा है कि अगर कोई माँ अगर ब्रेस्ट फीड कराती है फुली, मतलब पूरी तरीके से अगर उस बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड यानी कि उसको दूध पिलाती है, तो जो चांसेस होगा या फिर होगा ही नहीं, या फिर, ठीक है ना, एकदम बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं, क्लियर हुआ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुएशन। तो कह रहा है कि ये जो मेथड है ये मतलब कई सारे रिपोर्ट के इफेक्ट मिला है, रिपोर्ट के आधार पे कि जो पार्चुएशन यानी डिलीवरी के 6 महीने तक ही ये मैक्सिमम यानी अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है, फिर डिलीवरी के 6 महीने के बाद फिर क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट ना हो, उसके बाद फिर
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मतलब ये 6 महीने तक ही काम करता है डिलीवरी होने के बाद। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। तो इसमें कोई भी जब मेडिसिन या कोई डिवाइस यूज ही नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या है, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है या एकदम कम है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, लेकिन इसमें क्या है जो फेलियर के चांसेस है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। फेलियर का इसमें फेलियर के चांसेस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, वो है बैरियर। बैरियर बैरियर आपको पता ही है, आप रास्ते से जाते हो, रास्ता तो है लेकिन बीच में अगर कोई गेट लगा दे तो आप घुस नहीं पाते हो, मतलब वही आपको रोक दिया जाए। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, स्पर्म और ओवम को रोक दिया जाएगा, ठीक है। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो बैरियर में क्या करते हैं, फिजिकली यानी उनको एक्चुअल में मिलने से रोक दिया जाता है, ठीक है, कोई बैरियर लगा के। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और ये जो मेथड है ये मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, और इसका नाम क्या है, कॉन्डोम्स। अब ये देखिए, ये कॉन्डोम अगर आप चाहे तो फिगर 4.1 ए और बी में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला जो है ये मेल कॉन्डोम है और ये वाला जो है ये फीमेल कॉन्डोम है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, ठीक है। तो ये एक रबर से बना हुआ था, पतला रबर से, जो कि मेल के पेनिस को कवर करता है, या फिर जो फीमेल वाला होगा वो क्या करेगा, वजाइना और सर्विक्स को कवर करेगा, ठीक है। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजेकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और इसको कोइटस से पहले यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं कर पाएगा, क्लियर। और उसके बाद दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, और इसकी वजह से जो कॉन्सेप्शन रुक जाएगा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल का जो मेटिंग है वो रुक जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर आगे देख क्या लिखा हुआ, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स फॉर मेल। तो निरोध क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। तो कह रहा है जो कॉन्डोम है, कॉन्डोम का यूज़ बढ़ा है इन कुछ सालों में, और इसका रीज़न क्या है, एक तो ये अवॉइड भी कराता है, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन को तो रोकता है, साथ ही साथ में एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी सेक्स करने से जो डिजीज़ें फैलती है उस डिजीज़ को रोकने में भी ये कॉन्डोम जो है मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद जो एड्स है, एड्स को भी होने से रोकता है, क्लियर हुआ। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल मतलब यूज़ करके फेंक दीजिए, और इसको सेल्फ इंसर्टेड मतलब कोई भी इसको खुद से यूज़ कर सकता है, और इसमें क्या है, देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, ठीक है। प्राइवेसी मतलब खुद की सुरक्षा, जैसे आप कहीं पे भी जाके कोई अगर चीज़ लगाना हो वजाइना के अंदर तो वो कई बार सेफ़ नहीं होता है, ठीक है, कई बार आप देखते हैं क्राइम वगैरह भी हो सकता है, तो इसमें कोई क्राइम वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ बैरियर है। डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। ये भी कुछ जो है आपके बैरियर है,
जिसको यूज़ किया जाता है कोइटस से पहले, ठीक है। और ये भी किसके, रबर के बने हुए हैं, क्लियर हुआ। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। और ये सिर्फ कहाँ यूज़ किया था, सर्विक्स में यूज़ किया था। जैसे वो कॉन्डोम क्या था, वो पूरे में यूज़ किया था, लेकिन ये सिर्फ वही सर्विक्स यानी एंट्री को जाके बंद कर देता है। जो अगर आपको याद हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो वहाँ पे जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स को जाके ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये रीयूजेबल है, मतलब इसको रीयूज यानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजली यूज अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो कह रहा है इस जो भी ऊपर हमारे बैरियर है, इनके साथ ये जो है, ठीक है, इनके इनके साथ तो कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी स्पर्म को मारने वाले क्रीम, जैसे जेलीज एंड फोम्स यानी ये जो जेल हो गया या फोम हो गया, इनको भी यूज़ किया जाता है इन बैरियर के साथ, जिससे क्या हो सके कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो और अच्छे से हो सके, ठीक है, मतलब कोई चांस ही ना रह जाए, क्लियर हुआ। तो चलिए इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।